किसान आंदोलन तो 10 दिन हो गए हैं और अभी तक सरकार कोई उचित समाधान नहीं निकाल पाई है। बतौर मीटिंगें पर मीटिंग चल रही हैं, लेकिन कोई भी अभी तक समाधान निकलता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब किसानों के लिए जगह जगह जो भोजन का आयोजन किया जा रहा है, और हम अब गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, यहाँ पर हम आपको आज दिखा रहे हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा लंगर चला हुआ है। जिस तरह से कायस्थ लगाए जा रहे थे कि बाहर से फंडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ और देखने को मिला, और हम आपको बात कराते हैं उनसे जो इस लंगर के द्वारा यहाँ किसानों की सेवा कर रहे हैं, उनको खाने पीने की जो चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। हमारे साथ बुल्लर जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानते हैं? भूपिंदर सिंह बुल्लर। भूपिंदर जी, जिस तरह से कायस्थ लगाई जा रही थी कि बाहर से फंडिंग हो रही है किसानों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला है, कितना बड़ा आपने लंगर लगा रखा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो शरारती अंसर हैं और सरकारी एजेंसियाँ, उनके थ्रू ये ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि फंडिंग हो रही है या ये आतंकवादी हैं। ऐसा आपको यहाँ कुछ भी नहीं महसूस होगा। यहाँ कितना भाईचारा चल रहा है, अगर आप देखें तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से पिछले 7-8 दिन से जब यहाँ से लंगर जो बन रहा है और बन के पूरा वर्त रहा है, और आप देखेंगे कि जो लंगर छकते हैं, जो लेने के खाना खाते हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मोहम्मदंस भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर धर्म के लोग उसके अंदर हैं, और एक पंगत में एक लाइन में बैठ के सारे खाते हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कुछ शरारती आदमियों की तरफ से ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि ये जो धरना प्रदर्शन है, ये मूवमेंट फेल हो सके। और लेकिन किसानों के अंदर, इस देश के अन्नदाते के अंदर इतना जोश है कि जब वो घर से चला है, वो अपने 5-5, 6-6 महीनों का राशन साथ लेके चला हुआ है कि हम तभी वापस आएंगे जब ये मूवमेंट कामयाब होगी। तो बोलो जी, बात करने से देखा जा रहा है 10 दिन हो गए लगातार मीटिंग पर मीटिंग, जैसा पहले देखा जाता है कि अदालतों में ऐसा काम होता है कि तारीख पर तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, लेकिन अभी तक जो मीटिंग पर मीटिंग है, उसका क्या आपको निष्कर्ष लगा? देखो, बहुत सीधी सी बात है, ये मतलब एक किसी अनजान बंदे को बोलो ना, उसको भी 1 मिनट से पहले समझ आ जाएगी कि आज सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है इसको मसले को हल करने की। लेकिन अगर सरकार चाहे तो 2 कदम पीछे हटके ये 5 मिनट के अंदर मसला हल हो सकता है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है इसको हल करने की, वो सिवाय लॉलीपॉप और सिवाय लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। सरकार की जो देरी है, उस देरी का खामियाजा देखा जाए तो किस तरह का आप देख रहे हैं? जगह जगह किसान सर्दी में बॉर्डरों पर पड़ा है, दुनिया का पेट भरने वाला आज अपने पेट की लड़ाई के लिए बॉर्डरों पर और सड़कों पर पड़ा है, तो क्या कहना चाहिए? देखो, ये बड़ी विडंबना है कि आज अगर देखें तो एक टाइम था हमारे देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, आज ना तो जवान सेफ है ना किसान सेफ है, किसान मर रहा है, किसान की किसानी मर रही है। और इस टाइम अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में भी अगर किसी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो किसान को भुगतना पड़ेगा, सरकार ने उसको कुछ नहीं देना, लेकिन ये किसान फिर भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनको मैं समझता हूँ, सरकार को ये जो ऑर्डिनेंस है ये वापस लेना चाहिए ताकि किसान को किसान का हक मिल सके। अगर ये इसी तरह ये लागू हो जाता है तो ये इससे किसान भी मरेगा और किसानी भी मरेगी। बात की, आपने जो लंगर आपके सानिध्य में चल रहा है, कितने लोगों के यहाँ भोजन और किस तरह के यहाँ लोगों को सुविधा खाने की? देखिए, यहाँ पर अप्रॉक्स हमारा जो डेली है वो 15 से 20 हज़ार आदमियों की व्यवस्था है, 15 से 20 हज़ार लोग जो है रोज़ लंगर छकते हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर और भी किसान हैं। जिस तरह से अभी भुल्लर साहब ने बताया कि किसान की कोई बिरादरी नहीं होती, हिंदू भी किसान हैं, हम मुस्लिम भी किसान हो सकता है, सिख ईसाई भी किसान हो सकते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद, बात करें, कहाँ से आए आप? दासना दयात प्रधान किसान यूनियन, जिला उपाध्यक्ष, गाजियाबाद। तो बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे अभी जो किसानों की और अभी भारत बंद को लेकर जो बात चली है? किसान अपने, देखिए, ये सरकार सारे वादे झूठे कर रही है, इन्होंने शुरू से और आज तक झूठा ही झूठा रहा। अब ये किसानों के फायदे में लाना चाह रहे, लेकिन नुकसान है ये। और जब किसान ही नाराज है कि इस बिल को वापस ले लो, तो इसे ले लेना चाहिए। अब ये किसान जाड़े पाले में या मुसीबत कूट रहे, लेकिन वो अपनी जिद पड़ रहे हैं, तो किसान भी अपनी जिद पड़ गया, वो भी हम भी आर पार। भारत बंद की बात चल रही है तो भारत बंद है, ये जो हमारा आह्वान है ये भारत बंद ही करेंगे, पूरा सहयोग रहेगा सभी लोगों का, सब किसान भाई। बताएं क्या कहना चाहेंगे? बुंदू खान, हम भी किसान जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे? हम भी किसान हैं, जैसे ही चल रहा है इसमें हम सब इसके साथ हैं। जी, कहाँ रहते हैं आप, किस रास्ता में, किस तरह की खेती आप, कितनी तरह की खेती करते हैं? गेहूँ चावल यही सब। बुवाई चल रही है किस चीज़ की? गेहूँ की बोलती, आलू। चलिए, यहाँ किसान घर काफ़ी वो हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे थे कि हम आपको वो लंगर दिखाना चाहते हैं। हम आपको एक बार तस्वीरों में दिखा दें कि आप देख सकते हैं, गुरुद्वारा तमीर शीशगंज साहेब, दिल्ली सिख गुरुद्वारा जो प्रबंधन कमेटी है उसके द्वारा ये यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ सारे उसके सारे
जो प्रबंधन समिति के सारे सदस्य मेम्बरान बैठे हुए हैं और यहाँ चाय का हमको आपको दिखा रहे हैं बाबा जी जो हैं वो चाय और उसका लंगर यहाँ दे रहे हैं लोगों को, पापे वहाँ दे रहे हैं जो भी किसान यहाँ पर इस प्रदर्शन में बैठे हैं। इसके साथ साथ हम आपको और आगे ले चलना चाहेंगे, थोड़ा सा रसोई इनकी आपको हम दिखाते हैं कि देखिए कितना अच्छी तरह से यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य का बात होती है यहाँ, बहुत बड़ा वो देखेंगे आप यहाँ पर जानना चाहेंगे, इन्हीं से बात करेंगे कि भाई क्या चीज़ तैयार की जा रही है। नाम जानना चाहेंगे आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी क्या तैयार कर रहे हैं अभी? दाल तैयार कर रहे हैं चने की शाम के लिए। धर्मेंद्र जी बात करें कितने किसानों के लिए भोजन का इंतजाम इस लंगर से होता है? जहाँ जितने भी किसान हैं आपके सामने हैं कोई गिनती नहीं, बाहर से लोग भी आ जाते हैं। जो लंगर है गुरु महाराज का किसी को कोई मनाही नहीं है, जो भी आता है किसी को ये नहीं कहा जाता कि तेरे लिए नहीं है या किसानों के लिए है, कोई भी आए लंगर शके निरंतर चलता रहता है 24 घंटे। तो देखिए बाकी बहुत अच्छी बात है और आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई की तरह यहाँ पर सभी सामान तैयार किया जा रहा है। दाल यहाँ पर ये बना रहे हैं, आज शाम को दाल किसानों के भोजन में होगी और यहाँ पर सभी सामान यहाँ उचित रखा हुआ। खाने के साथ साथ यही नहीं है, दवा की भी सुविधा है, किसी किसान को कोई परेशानी प्रदर्शन के दौरान कोई दिक्कतें हो जाए तो यहाँ दवा की भी सुविधा आप देख सकते हैं। यहाँ पर दवाइयाँ सब तरह के अमूमन दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स भी हैं। प्रदर्शन करते में किसान का बीपी भी बढ़ सकता है, उसके लिए बीपी मशीन भी यहाँ पर रखी गई है, किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो या किसी को कोई अन्य दिक्कतें हों तो उसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा इस लंगर के पास में यहाँ पर ये भी सुविधा दवाइयों की दी गई है। चलिए बात करते हैं यहाँ थोड़ा सा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नाम जानना चाहेंगे आप? गुरमीत सिंह। गुरमीत जी यहाँ पर देखिए खाने के साथ साथ जो दवाइयों की भी प्रबंध किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे लंगर के साथ साथ और ये मेडिसिन का प्रबंध किया गया है। यहाँ से जो किसान लोग बाहर से आए हैं उनके लिए दवाई दारू और सबके लिए बीपी शुगर किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ आ सकता है। और हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि जो काला कानून लाया जा रहा है इसको ख़त्म किया जाए और जल्दी से जल्दी किसानों को अपने घरों में भेजा जाए। जो किसान यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, जो हमारा अन्नदाता है वो आज सड़कों पर बैठा है, सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस कानून को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। तो बिल्कुल सही कहा, लंगर के माध्यम से जिस तरह किसानों की यहाँ शीशगंज गुरुद्वारा समिति, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की तरफ से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है, कोई भी किसान भूखा ना रहे, ना ही कोई किसान बीमार हो, इसके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। वाकई ये जो मानवता में बहुत बड़ा एक संदेश है, मानवता का बहुत बड़ा प्रतीक बना हुआ है ये लंगर। तेरिया चैनल भी आपसे अपील करता है और सरकार से अपील करता है कि जल्दी ही इस चीज़ का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए ताकि किसान इस तरह सड़कों पर नहीं पड़ा रहे, अपने घर वापस जाए और अपने काम में व्यस्त रहे। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।